नमस्कार बच्चों, आज छुट्टियों की अनूठी दुनिया। देखिए, ये विश व्यक्ति है, इसकी जो दे रहा है डाक दे रहा है, तो ये है डाक विभाग का एक कर्मचारी जो डाक के संदेश घर घर जाकर भिजवाता है। इसे ग्रामीण परिवेश में देवदूत के नाम से भी जाना जाता है। ये है डाकिया जो डाक संदेश को घर घर जाकर भिजवाता है। ठीक है, तो ये चिट्ठियों की जो अनूठी दुनिया है, आज उस अनोखी जो दुनिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। ठीक है, प्राचीन समय में राजाओं के संदेश को ले जाने का काम कौन करते थे? कौन करते थे? आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ रहे हैं हम कि कौन करते थे, कौन करते थे? हर कार्य कर किया करते थे। घुड़सवार जो सैनिक होते थे वो किया करते थे। डाक हमारे डाकिया हमारे लिए क्या क्या लाता है? पत्र लाता है, पैसे लाता है, हमारा जो सामान आता है वो लाता है। हैं, पत्र कौन कौन से हो सकते हैं? पत्रों के प्रकार पूछा भाई। सामाजिक पत्र है, धार्मिक पत्र है, सांस्कृतिक पत्र है, ऐतिहासिक पत्र है, व्यावसायिक पत्र है। पत्रों के विभिन्न प्रकार हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये है पूर्व ज्ञान के आधार पर, या हमें पता होना चाहिए जो हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं समाज परिवेश में। अब देखो, इसके विभिन्न नाम हैं। उर्दू में इसे खत कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम जाबू लेख कहते हैं, तमिल में कड़ित कड़ित कहते हैं। याद रखने का तरीका, हिंदी में पाती कहते हैं या चिट्ठी कहते हैं, उर्दू में खत, कन्नड़ कैफोर, कन्नड़ कैफोर कागज, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम जाबुले, तमिल में कड़ी, तीन अक्षर, यहाँ भी तीन अक्षर है तमिल, यहाँ भी कड़ी छोटी की मात्रा। आगे देखते हैं, ये जो रेड बॉक्स होता है, ये डिब्बा है, यहाँ पर लोग क्या क्या डालते हैं? अपनी चिट्ठियाँ इस डिब्बे में डालते हैं। यहाँ से प्रतिदिन एक कर्मचारी निश्चित समय पर डाक को एकत्रित करता है और अपने विभाग में ले जाकर उसे अलग अलग जगह के लिए अलग अलग एंट्री करने के बाद अलग अलग थैलों में पैक कर देता है और उसे दूसरी जगह के लिए रवानगी कर दी जाती है। ये होता है क्या, रेड बॉक्स जो डिब्बा रहता है, डाकघर का जो डिब्बा रहता है जिसमें डाक डाली जाती है, वो जिसे नियमित समय पर उसी 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 क्षेत्र का डाकिया उसे क्या करता है, ओपन करके खोल के और अपनी चिट्ठियां ले जाता है। और जब चिट्ठी आती है तो इसे इस प्रकार बोरे में बंधे रहते हैं, विभिन्न प्रकार की डाक रहती हैं जगह जगह। और व्यक्ति वो डाकिया जो साइकिल पे, इस खाकी रंग की ड्रेस होती है, खाकी रंग के थैले होते हैं, बोरे रहते हैं खाकी रंग के, उनमें सवार उन पर लद करके ज़्यादा होता है तो वो घर घर जा करके अपनी चिट्ठियाँ बांटता है। ये होता है डाकिया। और दूर परिवेश, गांव, पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज इलाकों में डाकिया स्वयं जाकर लोगों को चिट्ठी देता है और साथ ही साथ कई बार मनी ऑर्डर भी उनके लिए उपलब्ध कराता है, मनी ऑर्डर भी उनके लिए उपलब्ध कराता है, जिससे उनके रोजी रोटी या घर का चूल्हा जलता है, मतलब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ग्रामीण परिवेश में इसे देवदूत के नाम से जाना जाता है। कौन? जो डाक, जो जो डाक पहुंचाता है। अब डाक का इतना एक एक कल्चर है, प्राचीन काल से चली आ रही है लेखन की परंपरा। धीरे धीरे उसमें उत्तरोत्तर विकास हुआ। अब इसमें उत्तरोत्तर विकास करने के लिए क्या हुआ, विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला किया। एक पत्र कल्चर को डेवलप करने के लिए संसार भर में विश्व डाक संघ ने पहल की। क्या पहल की? कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला शुरू किया। और कब किया? वो सन कौन सी है? सन 1972। तभी तो हम देखते हैं स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय जुड़ चुका है और सब बच्चे के लिए नियमित रूप से उसका अभ्यास करते हैं और अपनी परीक्षाएं आयोजित देते हैं, उसमें वो पत्र लिखते हैं। विभिन्न विभिन्न तरह के पत्रों के बारे में पूछा जाता है। एक पत्र संस्कृति का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, क्योंकि पत्रों का क्षेत्र बहुत बड़ा है।
विभिन्न प्रकार के पत्र होते हैं, सामाजिक पत्र, आवेदन पत्र, राजनीतिक पत्र, ठीक है, व्यवसायिक पत्र हैं, प्रेरणादायक पत्र भी होते हैं, और विभिन्न प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक हैं, शिकायत पत्र, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस कल्चर को डेवलप करने के लिए या उसको विकसित करने के लिए विश्व डाक संघ ने आगे बढ़कर पहल की। आगे देखते हैं। इन व्यक्तित्वों को आप अच्छे से जानते होंगे कि ये व्यक्तित्व कौन है। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। गांधी जी पत्र प्राप्ति के तुरंत बाद जवाब लिख दिया करते थे। इनकी ये इतन इनके नाम से जब कहीं विदेश से पत्र आता था, क्योंकि संसार भर में प्रसिद्ध थे, बस महात्मा गांधी इंडिया लिखा हुआ आता था। गांधी ये इंडिया, महात्मा गांधी इंडिया लिखा हुआ आता था, क्योंकि ये संसार भर में प्रसिद्ध थे, भारत में लोकप्रिय थे, जनप्रिय व्यक्ति थे, और जब इनका डाक आ जाता था, जहां भी होते थे भारत में, वहां इनकी डाक पहुंच जाया करती थी। परंतु जैसे ही इन्हें पत्र मिलता था, उसी समय उसका जवाब लिख दिया करते थे। दाएं हाथ में दर्द, लिखते लिखते दर्द होता था, बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। महा और सुनिए दूसरी बात, इनके नहीं और भी राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े हुए और भी जो दिग्गज नेता थे, उनके नाम पत्र भी इसी ना ऐसे ही आया करते थे। बस नाम उनका और भारत, बस सीधा आया करते थे। अब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के मध्य पत्रों का क्या हुआ, पत्राचार हुआ। तो उनके पत्राचार जो पत्राचार हुआ, उन पत्रों का संग्रह सन 1915 से 41 के बीच जो पत्राचार हुआ उनके मध्य हुआ, उसका संग्रह प्रकाशित हुआ। कितनी बड़ी बात है, जो बड़े मतलब उस समय की देश की काल की और उस सब जानकारियां उसमें हमें मिलती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। SMS, जो फोन में SMS आता है उसे क्या बोलते हैं, लघु संदेश सेवा। क्या बोलते हैं, लघु संदेश सेवा। अहमियत महत्व, मतलब कितनी अहमियत रखते हैं। तह मनी गहराई। गुडविल, आज जो डाक विभाग की गुडविल है, मतलब सुनाम है, अच्छी छवि है, अच्छी वेल रेपुटेशन है इसकी आज के जमाने में डाक विभाग की, सभी समस्त विभागों से, क्योंकि दिल से जोड़ता है व्यक्तियों को, उनमें मानवता का गुण विकास करता है, आत्मीयता पैदा करता है। क्योंकि इसमें व्यक्ति जो पत्र लिखता है खुद की लिपि में लिखता है, खुद की लिखनी से, वो क्या लिखावट में लिखता है, जिससे पढ़ने वाला उसे जुड़ जाता है तुरंत। हैसियत, दर्जा, आलीशान, शानदार, देखो बोध पर्सन। उर्दू में पत्र को क्या कहते हैं, अभी पढ़ा था, खत कहते हैं। SMS को हिंदी में लघु संदेश सेवा पत्र लेखन परंपरा का हुआ सन 1972 से, किसकी पहल पर, विश्व डाक संघ की पहल पर। ठीक है, ये जो पत्र है, ये लेखन परंपरा, ये सन 1972 से शुरू, इसके बाद स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ी गई। तो ये पत्र लेखन की जो ये संस्कृति है, ये हमें बड़ी क्या करती है, प्रेरणा देती है। देखो अगर पत्र नहीं लिखे जाते तो क्या पिता के नाम पिता के पत्र, पुत्री के नाम जो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी के नाम लिखे थे, क्या आज वो हमें पढ़ने को मिलते, क्या कितने लोगों को वो हमें प्रेरित करते, नहीं ना है? प्रेमचंद नए लेखकों को जब भी कहते थे तो क्या करते थे, प्रेरक जवाब करते थे। उन प्रेरक पत्रों को आज कोई पढ़ता है तो उसे प्रेरणा कहाँ से मिलती, अगर वो नहीं लिखते इस तरह। तो प्राचीन जमाने में, आजादी के आंदोलन समय में, किसी बात महात्मा गांधी के पत्र हैं, जवाहरलाल नेहरू के पत्र हैं, लाला लाजपत राय के पत्र हैं, बाल गंगाधर तिलक के पत्र हैं, उन पत्रों को संभाल के रखे हुए हैं। तो उनके लिए कोई वो प्रशस्ति पत्र से कम नहीं है। कई लोगों ने तो उसे उसमें शीशे में, मतलब उसे क्या फ्रेम करवा के रखा हुआ है। तो ये क्या, यही पत्रों का जादू है, ये प्रेरणा के स्रोत हैं, इनपे मतलब अनुसंधान किया जा सकता है। तो पत्र एक ऐसे हैं जो शहरी इलाकों से लेकर के झोपड़ झपड़ी में रहने वाले, दुर्गम जंगलों में रहने वाले, गांवों से लेकर बर्फबारी ढाणियों में, समुद्र तट मछुआरे, रेगिस्तान में रहने वाले लोग आज भी वहां खतों का क्या करते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं। किसके समय इंतजार करते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं। और आज तो क्या करते हैं, ये इसका बहुआयामी रूप हो गया, किसका, डाक विभाग का। तो बहुआयामी रूप होने से वो लोगों के दिलों से जुड़ रहा है, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, चाहे बचत खाता हो चाहे और हो। और ये आपके गृह कार्य, आप इसको, इनको आपको करना है, एक